हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और हम डिस्कस कर रहे थे BPCCHN के अंडर यानी CHO ब्रिज कोर्स के रिगार्डेड जो सिलेबस है, जो फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस था, उसको अपन डिस्कस कर रहे थे। और उसके रिगार्डिंग हमने सेशन वाइज इसको स्टार्ट किया था, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट वन सेशन हमने डिस्कस किया था पेपर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था पेपर, और पेपर के अंदर पेपर का पैटर्न हमने डिस्कस किया था, किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो डिस्कस किया था, और कैसे कैसे आपको आंसर देना है, कैसे पेपर को सोल्व करना है, किस तरीके से आपको आंसर लिखना था, वो अपन ने डिस्कस किया था फर्स्ट सेशन के अंदर। उसके बाद हमने सेकेंड सेशन डिस्कस किया था, उसके बाद हमने लास्टली सेकेंड सेशन डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था पब्लिक हेल्थ क्या होती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इलनेस के बारे में कि इलनेस क्या होती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिजीज़ और सिकनेस के बारे में। इसके बाद हमने डिस्कस किया था स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं लास्ट क्लास के अंदर। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी लास्ट क्लास नहीं देखी है, लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप जीवन एजुकेशन के होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो क्लास अवेलेबल मिल जाएगी। तो जिसने नहीं देखा है, बिल्कुल इजी तरीके से आप उसको आसानी से देख सकते हैं, आपके पास वो अवेलेबल करवाई हुई हैं। और PDF पाना चाहते हैं तो लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से उसको ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए, ये सारा कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं लास्टली अपडेट के अंदर। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि अपने पास टाइमिंग वैसे तो काफ़ी है, अपने पास टाइमिंग कर सकते हैं, पूरा सिलेबस अपन बिल्कुल इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस जो नहीं देखी है, जिसने भी नहीं देखी हो, देख सकते हैं। और आपसे एक बार फिर से कहूँगा, इस वीडियो को और इन लेक्चर को, जो क्लासेस आपके लिए अब लगाई गई हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी ब्रिज कोर्स कर रहे हैं उन तक ये पहुँच सके, और वो इन सब वीडियोज़ को, इन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ सके, इन सब लेक्चर को वो पढ़ सके और अच्छी तरीके से इनको समझ सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिए। चलिए आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर देखे। चलिए, आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं वही सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट पहला ही अपन डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर ही। और उसी के साथ इसके अंदर अपना पहला जो सब्जेक्ट था वो था फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। क्या सब्जेक्ट था? फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। और उसके अंदर अपन फर्स्ट ब्लॉक को डिस्कस कर रहे थे। ब्लॉक वाइज आपका सिलेबस डिवाइडेड हुआ है अकॉर्डिंग टू RUHS सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू RUHS सिलेबस के अंदर, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही इस सिलेबस को अपन पढ़ रहे हैं। तो ब्लॉक अपन फर्स्ट स्टार्ट कर लिए थे, उसके अंदर ब्लॉक फर्स्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमोलॉजी, जिसके अंदर अपन ने पब्लिक हेल्थ पढ़ लिया है। पब्लिक हेल्थ के अलावा कुछ हेल्थ से रिगार्डेड अपन ने पढ़ा था, हेल्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके बाद उसका स्पेक्ट्रम पढ़ा है, और आज के इस सेशन के अंदर, इस क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। क्या पढ़ने वाले हैं? डायमेंशन ऑफ हेल्थ आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होता है, हेल्थ के डायमेंशन कौन कौन से होते हैं, और किस डायमेंशन के अंदर क्या आता है, विद डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करते हुए अपन इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, और आपने देखा होगा नर्सिंग के अंदर ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो आपके ट्रेनिंग के अंदर भी ये आ सकता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसको मान लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसको लगा लीजिएगा, तारे बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन और ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सबको ये आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को।
देखिए अपन पढ़ रहे हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ के डायमेंशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास आपको याद दिला दूं, हेल्थ के डायमेंशन पढ़ने से पहले हेल्थ का डेफिनेशन, हेल्थ का मीनिंग आप सबको मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया होगा, लास्ट क्लास के अंदर बताया था और लास्ट क्लास आप सबको याद होनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो सिलेबस हैं वो बिल्कुल को रिलेट होता हुआ चलेगा। लास्ट क्लास आपने नहीं देखी है तो नेक्स्ट क्लास भी आपको समझ कम आएगी, पहले ही बता दूं फ्रेंड्स, लास्ट क्लास आपने नहीं देखी है तो आपके पास काफ़ी टाइम है, वीडियो हैं आपके यूट्यूब पर, जीवन एजुकेशन पर अवेलेबल हैं, कभी भी देख सकते हैं, जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप उसको देख सकते हैं, एक बार समझ नहीं आता है तो दो बार देख सकते हैं, लेकिन लास्ट क्लास आपको आनी चाहिए, लास्ट क्लास समझ में आनी चाहिए, अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा आपको बताया जाएगा, लेकिन लास्ट क्लास आपको आनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट वन अपन वापस से समझ लेते हैं हेल्थ को, कि हेल्थ क्या होता है, और हेल्थ को समझने के बाद ही हेल्थ के डायमेंशन आप पढ़ पाएंगे, हेल्थ के डायमेंशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। चलिए समझ लेते हैं हेल्थ की डेफिनेशन और हेल्थ का मीनिंग, जिसने नहीं समझा हो, लास्ट क्लास नहीं देखी हो, वो ध्यान से यहाँ पर देखिए। देखिए हेल्थ का कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं, हेल्थ का डेफिनेशन, हेल्थ क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ डेफिनेशन दी हुई है कि हेल्थ क्या है, हेल्थ इज अ स्टेट, हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें क्या होता है, कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग होता है। क्या होता है, हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग होता है, यानी एक पर्सन है वेलबींग होना चाहिए, फिजिकली होना चाहिए, केवल फिजिकली वेलबींग में है। यदि पर्सन केवल फिजिकली फिट हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी हैं। कोई पर्सन केवल फिजिकली कैसा है, केवल फिजिकली वो हेल्दी है, फिजिकली कह सकते हैं कि फिजिकली वो अच्छा है, फिजिकली वो वेल है, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि 100% उसको हेल्दी कहेंगे, 100% वो पर्सन हेल्दी होगा। तो हेल्दी होने के लिए, एक पर्सन का हेल्थ सही होने के लिए, बेटर हेल्थ होने के लिए या वेलबींग होने के लिए, पर्सन के अंदर कम से कम फिजिकली तो सही होना चाहिए, मेंटली भी सही होना चाहिए, सोशली भी सही होना चाहिए, यानी एक पर्सन फिजिकली मेंटली और सोशली वेलबींग होना चाहिए, यानी एक इंसान, एक मनुष्य, एक प्राणी, एक पर्सन सभी तरीके से कम एटलीस्ट वो पर्सन फिजिकली मेंटली और सोशली वेलबींग होना चाहिए। अब क्या तीनों कंडीशन में फिजिकली मेंटली सोशली वो फिट हैं तो क्या उसको हेल्दी कहेंगे, नहीं, WHO के अकॉर्डिंग अभी भी उसको हेल्दी नहीं कहेंगे। कब कहेंगे फिर, उसके अंदर आगे कंडीशन देखिए, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, ये सब तो होना ही चाहिए, एक पर्सन कंप्लीटली फिजिकली मेंटली और सोशली वेलबींग होना चाहिए, उसके साथ साथ ही उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, यानी एब्सेंस ऑफ डिजीज होनी चाहिए, जब जाकर उसको क्या कहेंगे, एक हेल्दी पर्सन कहेंगे। तो आई थिंक हेल्थ का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, हेल्थ क्या है, एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर पर्सन की कंप्लीट फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग होना चाहिए, साथ ही नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, और उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई डिजीज कंडीशन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई कमी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, तभी पर्सन को क्या कहेंगे, हेल्दी कहेंगे। तो आई थिंक हेल्थ का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, तो जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है उनको भी आई थिंक अब हेल्थ का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, हेल्थ का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब यहीं पर आप देख लीजिएगा, डेफिनेशन के अंदर ही तीन डायमेंशन तो यहाँ पर रखे हुए हैं, तीन डायमेंशन कौन कौन से हैं, थ्री डायमेंशन तो यहाँ पर हैं, कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन फिजिकल डायमेंशन, सेकंड वन मेंटल डायमेंशन, थर्ड वन सोशल डायमेंशन। तो फिजिकल मेंटल और सोशल डायमेंशन, यानी कह सकते हैं बेसिकली हेल्थ के एटलीस्ट तीन डायमेंशन तो आपको याद रखने हैं, जो कि आपको डेफिनेशन से ही याद रह जाते हैं, यानी क्या है, एटलीस्ट
थ्री डायमेंशन तो अपन हेल्थ को कह सकते हैं। बाकी हेल्थ का डायमेंशन और ज़्यादा हैं, चार डायमेंशन कोई कहते हैं इसके चार डायमेंशन हैं, फोर डायमेंशन हैं, कोई कहते हैं इसके फाइव डायमेंशन हैं, कोई कहते हैं इसके एट डायमेंशन हैं। तो हेल्थ के तो होने में तो काफ़ी सारे डायमेंशन हैं, जैसा डायमेंशन आप कहना चाहें वैसा डायमेंशन बन जाता है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर कोई भी डायमेंशन इसको अल्टर कर सकता है, यानी अल्टर कर सकता है, यानी बेसिकली नॉर्मली अपन कहें तो अपन यहाँ पर आरओएचएस सिलेबस के अकॉर्डिंग सात से लेकर आठ डायमेंशन पढ़ेंगे। कितने डायमेंशन पढ़ेंगे? सात से लेकर आठ डायमेंशन पढ़ेंगे, जिसमें से तीन डायमेंशन तो आपकी डेफिनेशन के अंदर ही है, यानी अकॉर्डिंग टू WHO जो डेफिनेशन दी हुई है उसके अंदर ही तीन डायमेंशन तो छिपे हुए हैं। कौन कौन से? फिजिकली, मेंटली और सोशली। ठीक है फ्रेंड्स, अब डायमेंशन ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आगे अपन डिस्कस करते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ के अंदर। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन और हेल्थ का मीन्स आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आ जाते हैं अपन वापस, अपनी डायमेंशन ऑफ हेल्थ अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होता है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ कितने होते हैं, कितने डायमेंशंस हैं हेल्थ के, वो अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे फर्स्ट वन हेल्थ, आप देख सकते हैं डायग्राम में इजीली समझ आ रहा होगा, हेल्थ के डायमेंशन यहाँ पर शो हो रहे हैं आपके सामने। सबसे फर्स्ट वन हेल्थ क्या है, हेल्थ क्या है, एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर पर्सन कैसा होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। फर्स्ट डायमेंशन आपके सामने है हेल्थ के अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग पहला डायमेंशन फिजिकल डायमेंशन, WHO के अकॉर्डिंग सेकंड डायमेंशन हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, उसके बाद मेंटल, उसके बाद क्या है, मेंटल। अब मेंटल आप कहेंगे यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमको इस जो डायमेंशंस लिखे हुए हैं यहाँ पर मेंटल तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो फ्रेंड्स मेंटल नहीं है, तो यहाँ पर आप इसको मान लेते हैं इंटेलेक्चुअल को मेंटल कहते हैं, इंटेलेक्चुअलिटी है किसी पर्सन के अंदर तो वो मेंटल कह सकते हैं, तो ये मेंटल डायमेंशन है। मेंटल डायमेंशन के बाद थर्ड डायमेंशन इज सोशल डायमेंशन, यानी फर्स्ट डायमेंशन इज फिजिकल डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन इज मेंटल डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन इज सोशल डायमेंशन, यानी ये तीन डायमेंशन तो आपको मुजबा रटवा होने चाहिए, बिल्कुल आपके माइंड में होने चाहिए कि तीन डायमेंशन तो आपको याद ही रखने हैं। बाकी आगे अपन डिस्कस करते हैं और भी इसके डायमेंशन हैं। तो हम पढ़ रहे हैं हेल्थ के डायमेंशन, और हेल्थ के डायमेंशन में आप देख पा रहे होंगे सबसे फर्स्ट वन डायमेंशन इसका फिजिकल डायमेंशन, देन मेंटल डायमेंशन, देन सोशल डायमेंशन, तीन डायमेंशन तो ये हो गए। रिमेनिंग और कुछ डायमेंशंस यहाँ पर हैं, जैसे कि इमोशनल डायमेंशन, उसके बाद स्पिरिचुअल डायमेंशन, उसके बाद फाइनेंशियल डायमेंशन, उसके बाद ऑक्यूपेशनल डायमेंशन, उसके बाद एनवायरमेंटल डायमेंशन। तो ये कुछ डायमेंशंस हैं हेल्थ के, जिसको अपन डिटेल से वन बाय वन पढ़ेंगे कि किस डायमेंशन के अंदर क्या होना चाहिए, किस डायमेंशन के अंदर क्या नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम हेल्थ के डायमेंशन पढ़ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश है आपको एट द टाइम जब क्लास में बैठे हो, एट द टाइम जब क्लास आप ले रहे हो, एट द टाइम जब क्लास आप देख रहे हो, तो उस टाइम ही आपको ये चीज़ें याद हो जाए, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। कोशिश करें आपको ये साथ में ही याद हो जाए, ताकि बाद में आपको ये रिपीट ना करनी पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो हेल्थ क्या है, एक हेल्थ ऐसी स्टेट है जिसके अंदर पर्सन फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, सोशली फिट होना चाहिए, और साथ ही उसके अंदर कोई डिजीज कंडीशन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, कोई एबनॉर्मलिटीज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, तभी वो पर्सन कैसा है, हेल्दी पर्सन है। ठीक है, अब डायमेंशन अपन डिस्कस करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट वन अपन फिजिकल डायमेंशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इमोशनल डायमेंशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंटेलेक्चुअल डायमेंशन डिस्कस करेंगे, देन स्पिरिचुअल डायमेंशन डिस्कस करेंगे, देन फाइनेंशियल डायमेंशन डिस्कस करेंगे, देन ऑक्यूपेशनल डायमेंशन डिस्कस करेंगे, देन सोशल डायमेंशन डिस्कस करेंगे, और देन
एनवायरमेंटल डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे। देखिए हेल्थ के अंदर ये सारे डायमेंशन नॉर्मल होने चाहिए। एक पर्सन के अंदर यदि हेल्दी है, यदि पर्सन हेल्दी है तो उस पर्सन के अंदर ये सारे डायमेंशन बिल्कुल कैसे होने चाहिए, नॉर्मली और कोऑपरेशन में होने चाहिए। यानी सारे डायमेंशन एक दूसरे से किसी न किसी रूप में अटैच हैं, एक दूसरे से किसी न किसी रूप से ये कोरिलेट करते हैं। एक डायमेंशन में थोड़ा सा भी अल्टरनेस आ जाता है, एक डायमेंशन में थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाता है तो दूसरा डायमेंशन ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता है, दूसरा डायमेंशन डिस्टर्ब होता है तो तीसरा डायमेंशन, इस तरीके से फिर ऑटोमेटिकली सारे डायमेंशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब होने लगते हैं और फिर आपकी जो हेल्थ है वो इलनेस में चेंज होने लगती हैं और फिर इलनेस में चेंज होने के बाद वो डिजीज बन जाती हैं और डिजीज बनने के बाद आपका स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ है कंटिन्यू हो जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब अपन आगे डिस्कस करते हैं, इनको वन बाय वन बारी बारी से एक एक अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, ये सारे डायमंड्स बिल्कुल एक कोरिलेशन में रहते हैं, सारे डायमंड्स बिल्कुल प्रॉपरली होने चाहिए, सारे डायमंड्स बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, तब ही जाकर एक पर्सन क्या होता है, बिल्कुल हेल्दी रहता है जहाँ भी वो एग्जिस्ट है, चाहे वो कम्युनिटी में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो उसके घर पे हो, चाहे वो उसके ऑफिस में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन ये सारे डायमेंशन यदि नॉर्मल हैं तो पर्सन हेल्दी हैं, अदरवाइज उसके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे डिस्टर्बेंस बनता जाएगा, धीरे धीरे डिस्टर्बेंस बनता जाएगा, इलनेस कोज हो जाएगी, माइल्ड इलनेस होगी, सीवियर इलनेस होगी, उसके बाद कहाँ चला जाएगा, मोर्टेलिटी की तरफ चला जाएगा, जो कि लास्ट क्लास में हमने देखा स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ के अंदर। चलिए अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन, सबसे फर्स्ट वन अपन डिस्कस करने वाले हैं फिजिकली डायमेंशन, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरीके की क्लासेज आपको डेली अप टू डेट मिलती रहेगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग में हैं, अभी CHOs बनकर आए हैं, उन तक ये पहुंच जाए और वो ये सारे पढ़ सके, जिससे वो भी आसानी से पास हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला डायमेंशन हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल डायमेंशन। देखिए नाम से मीनिंग चल रहा है, नाम से समझ में आता है फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल से क्या समझते हैं, यानी एक पर्सन कैसा होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकली मतलब उसका पूरा फिजिक मतलब उसकी एनाटमी और उसका फिजियोलॉजी कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। और जो नॉर्मली कोऑर्डिनेशन में जो डेली का वो वर्कआउट कर रहा है, डेली का जो काम कर रहा है, डेली का उसकी बॉडी का जो पार्ट है, डेली का उसकी बॉडी के अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं, वो बिल्कुल कैसे होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, तब ही पर्सन कैसा होगा, नॉर्मल होगा, तभी पर्सन कैसा होगा, हेल्दी होगा। ठीक है, आगे होगा समझ में। फिजिकली डायमेंशन से क्या मतलब समझे, फिजिकली मतलब उसकी एनाटमी और उसका फिजियोलॉजी कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल मीन्स उसके जो भी फंक्शन है, नॉर्मल बॉडी फंक्शन होने चाहिए। यानी उसके अंदर जो भी बॉडी फंक्शन है वो कैसे होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। जो भी डेली का रूटीन वर्क वो कर रहा है वो भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए, तभी पर्सन कैसा होगा, फिजिकली फिट होगा और तभी उसका फिजिकली डायमेंशन फुलफिल होगा। आई थिंक समझ आ गया होगा। अब डिटेल से इसको समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हो थ्योरेटिकल, तो केवल समझाने से काम नहीं चलेगा, लैंग्वेज भी आपको बतानी होगी जिससे आप आगे जाकर एग्जाम में लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर फिजिकली हेल्थ रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द बॉडी, इट्स कंपोजिशन, डेवलपमेंट,
फंक्शन एंड मेंटेनेंस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर जो लिखा हुआ है लैंग्वेज सीधी सी लिखी हुई है कि फिजिकली हेल्थ रेफर करता है, यानी फिजिकली हेल्थ किसको कहते हैं, आगे लिखा हुआ फिजिकली हेल्थ रेफर्स टू द स्टेट, एक ऐसी स्टेट ऑफ द बॉडी, बॉडी की ऐसी स्टेट जहाँ पर उसका कंपोजिशन, उसका डेवलपमेंट, उसके फंक्शंस कैसे हो, मेंटेनेंस में हो, कैसे हो, मेंटेनेंस में हो, तो वो क्या होगा, फिजिकली डायमेंशन होगा। और फिजिकली डायमेंशन नॉर्मल होगा, कब होगा नॉर्मल, जब उसके अंदर क्या है, फिजिकली डायमेंशन या फिजिकली हेल्थ एक ऐसे स्टेट हैं जहां पर उसकी बॉडी के कंपोजिशन, बॉडी के कंपोजिशन मतलब उसके बॉडी सिस्टम और साथ ही उसका डेवलपमेंट, साथ ही उसके फंक्शन कैसे होने चाहिए, नॉर्मल और मेंटेनेंस में होने चाहिए, तभी उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी होगी, सही होगी, वेल बीइंग होगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड, जिसको डाउट रहता है, जिसको समझ नहीं आता है, वो कमेंट कर सकता है, जो भी डाउट रहता है उसको नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बता दिया जाएगा, जो भी आपका डाउट रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिजिकल डायमेंशन के अंदर ही इट इज एग्जिबिटेड बाय द इंडिविजुअल ऑप्टिमम फिजिकली एबिलिटी ऑफ ऑल हिज बॉडी पार्ट बीइंग इंटैक्ट एंड वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन। देखिए फ्रेंड्स, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वही बात यहाँ पर आ जाती है कि एक इंडिविजुअल ऑप्टिमम ही उसका क्या हो, उसका फिजिकली एबिलिटी, एक पर्सन का फिजिकली एबिलिटी ऑफ ऑल हिज बॉडी, उसकी पूरी बॉडी के अंदर जो फिजिकली एबिलिटी है, लाइक उसके बॉडी पार्ट्स हो गए, वो कैसे होने चाहिए, बॉडी पार्ट्स कैसे होने चाहिए, इंटैक्ट होने चाहिए और वर्किंग होने चाहिए इन कोऑर्डिनेशन में, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में उसके बॉडी पार्ट इंटैक्ट होने चाहिए और वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, तो ही पर्सन की फिजिकली हेल्थ कैसी होगी, वेल बीइंग में होगी, यानी वेल होगी, अच्छी होगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, लास्ट पैराग्राफ है, इसके अंदर और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा आपको। अभी तक दो पैराग्राफ हमने देखे फिजिकली डायमेंशन के रिगार्डिंग, और यहाँ तक यदि आपको समझ नहीं आता है, यहाँ तक आपको समझ नहीं आया है, तो जो थर्ड पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि फिजिकल डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इट कैन बी अटेंड बाय ईटिंग वेल, यानी एक पर्सन को फिजिकली फिट कब कहेंगे, जब वो अच्छी तरीके से खाता होगा, जब वो अच्छी तरीके से क्या कर रहा है, ईटिंग कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, अच्छी तरीके से वो खाना खा रहा है। उसके अलावा एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छी तरीके से वो क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, साथ में ओइडिंग कर रहा है, यानी वो स्टूल पास कर रहा है, टॉयलेट कर रहा है, ठीक है, स्टूल पास कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है, ठीक है, हार्मफुल हैबिट अवॉइडिंग कर रहा है, सॉरी अवॉइडिंग है, ये ओइडिंग होता है, एक ओइडिंग होता है, एक अवॉइडिंग होता है, ठीक है, दोनों ही रिलेटेड है यहाँ पर, क्योंकि फिजिकली अपन देख रहे हैं, ठीक है, तो वो अच्छी तरीके से खा रहा है, अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है और अवॉइड कर रहा है बैड हैबिट को, जो हार्मफुल हैबिट है उसकी, उसको वो अवॉइड कर रहा है, सच एज स्मोकिंग को भी वो अवॉइड कर रहा है, एंड गेटिंग इनफ स्लीप और वो पर्याप्त अमाउंट में, पर्याप्त यानी कि जितनी ज़रूरत है शरीर को, और शरीर को कितनी स्लीप की ज़रूरत है, कितनी नींद की ज़रूरत है, अभी क्वेश्चन आया था, अभी रिसेंटली दो दिन पहले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था, UPSC का एग्ज़ाम हुआ था स्टाफ नर्स का, उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि एक पर्सन को नॉर्मली कितना सोना चाहिए, तो 6 से 7 घंटे नॉर्मली एक पर्सन को सोना चाहिए, कम से कम छः से सात घंटे एक पर्सन को नॉर्मली एक दिन के अंदर सोना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अपन यहाँ पर आ जाते हैं वापस से, याद रखना ये क्वेश्चन है ना, पूछा हुआ है लास्ट ईयर, अभी थोड़े दिनों पहले 3 तारीख को जो एग्जाम था उसके अंदर ये पूछा हुआ था। ठीक है, तो एक बात कर रहे थे अपन फिजिकली डायमेंशन के,
तो फिजिकली डायमेंशन के अकॉर्डिंग क्या है, प्रॉपरली वो खाना खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, और जो हार्मफुल हैबिट है लाइक स्मोकिंग है उसको वो अवॉइड कर रहा है, गेटिंग इनफ स्लीप, स्लीप अच्छी तरीके से वो नींद ले रहा है, रिकॉग्नाइज ऑफ द साइन ऑफ डिजीज, कोई डिजीज कंडीशन उसके अंदर हो जाती है जिसको वो खुद रिकॉग्नाइज कर रहा है, खुद पहचान रहा है, साथ ही गेटिंग रेगुलर फिजिकली एग्ज़ाम, और साथ ही वो जो फिजिकली एग्ज़ाम है उसको वो रेगुलरली दे रहा है, एंड टेकिंग स्टेप टू प्रिवेंट इंजरी, और इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए वो अच्छी तरीके से उसका प्रिवेंशन रख रहा है। अगर पर्सन के अंदर ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ इसी तरीके से चल रहा है, तो कहेंगे कि पर्सन क्या है फिजिकली क्या है, हेल्दी है, पर्सन क्या है फिजिकली हेल्दी है। कब, जब ये जो नॉर्मल ऊपर पैराग्राफ के अंदर जो नॉर्मल कंडीशन बताई मैंने, अगर ये सब पर्सन फुलफिल कर रहा है तो पर्सन फिजिकली कैसा है हेल्दी है। और आई थिंक यहाँ तक आपको जो डायमेंशन हमने डिस्कस किया फिजिकल डायमेंशन, वो आपको समझ आ गया होगा एस और नो। चलिए यहाँ पर आगे देख लेते हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको स्पीडली, कि ऐसा पर्सन जो अपनी ईटिंग अच्छी तरीके से ले रहा है, पर्सन जो कि अच्छी तरीके से खा पी रहा है, यानी ईटिंग वेल, अच्छी तरीके से खा पी रहा है, ठीक है, पर्सन अच्छी तरीके से खा पी रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, हार्मफुल हैबिट को अवॉइड कर रहा है लाइक स्मोकिंग है, टोबेको च्यूइंग है, साथ ही इनफ स्लीप ले रहा है, पर्याप्त तरीके से वो सो रहा है, और साथ ही डिजीज़ के साइन सिम्टम को वो पहचान रहा है कि उसके अंदर डिजीज़ हो रही है नहीं हो रही है, यानी इलनेस को वो फील कर पा रहा है, साथ ही फिजिकली एग्ज़ाम वो दे पा रहा है, और इंजरी से खुद को बचा रहा है, इंजरी से खुद को प्रिवेंट कर रहा है। इट मीन्स पर्सन कैसा है फिजिकली हेल्दी है। ठीक है, आई थिंक ये डायमेंशन तो बिल्कुल करेक्ट आपको 100% माइंड में फिट हो गया होगा। तो क्यों, आपका क्वेश्चन गलत होगा? नहीं होगा सर, हमारा क्वेश्चन नहीं गलत होगा, क्योंकि हमने फिजिकल डायमेंशन काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और आपने हमें काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है, तो ये तो क्वेश्चन आप हमारा गलत नहीं होगा। चलिए, फिजिकल डायमेंशन आपने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं सेकेंड डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन। सेकेंड डायमेंशन हम पढ़ रहे हैं इमोशनल डायमेंशन, और इमोशनल डायमेंशन से भी आप समझते होंगे, इमोशन आपने पढ़े होंगे साइकोलॉजी के अंदर, ज़्यादा डिटेल से हम नहीं जाएंगे इमोशनल के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, क्योंकि जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। ज़्यादा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे जब उसका टॉपिक आएगा रिलेटेड, ठीक है, अभी अपन डायमेंशन डिस्कस कर रहे हैं। तो इमोशनल डायमेंशन की बात अपन कर रहे हैं, तो इमोशनल डायमेंशन क्या होता है, देखिए, इमोशनल हेल्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स डायमेंशन ऑफ द हेल्थ, हेल्थ का एक कॉम्प्लेक्स डायमेंशन है इमोशनल डायमेंशन। पहली लाइन यही आपको याद रखनी है कि क्या याद रखनी है, हेल्थ का जो डायमेंशन है, इमोशनल डायमेंशन है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स डायमेंशन है, क्योंकि आसानी से ये समझ नहीं आता है, लेकिन हमें तो आ जाएगा सर, क्योंकि आप हमें पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से हम पढ़ रहे हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। देखो, ध्यान दो, बिल्कुल आपको समझ आएगा। क्या समझ आएगा, देखिए, इमोशनल डायमेंशन हम देख रहे हैं इसके अंदर, देखिए, our ability to accept और cope with our own और other feelings is defined as emotional well-being और emotional health। किसको कहेंगे emotional health? Emotional health किसको कहेंगे? जैसे कोई पर्सन है और पर्सन के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और कोप कर रहा है, यानी पहचान रहा है और उसको मान रहा है। किसको? आवर ओन, ओन मतलब खुद को और अदर्स फीलिंग को,
यानी कि एक पर्सन है जो कि उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू वो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है और कोप कर रहा है, यानी उसको स्वीकार कर रहा है और मान रहा है कि ये मेरी फीलिंग है और वो उसकी फीलिंग है। यानी कह सकते हैं कि पर्सन खुद की फीलिंग को तो समझ ही रहा है, साथ ही जो अदर पर्सन है, सामने कोई पर्सन है, उसकी फीलिंग को भी समझ पा रहा है, उसके सैडनेस को भी समझ पा रहा है, उसके माइंड के अंदर खुद को एडजस्ट कर पा रहा है, खुद अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है एनवायरनमेंट में। इसका मीन्स ये है कि वो पर्सन इमोशनली कैसा है, हेल्दी है। वो पर्सन इमोशनली कैसा है, हेल्दी है। चलिए, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, फिर से रिपीट करेंगे। देखिए, जो समझ नहीं आता है आप कमेंट कर सकते हैं, बाद में भी आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दिया जाएगा, लेकिन आपका काम है बातें ये चीज़ें समझना, ये सारी पॉइंट आपको समझना, क्योंकि ये जो क्लासेस कंडक्ट करवाई गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करवाई गई हैं। आप कहेंगे कि हम भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आप इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी गाइडलाइन आपको दे रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, बाकी आप एग्ज़ाम आसानी से लिख पाएंगे। क्योंकि बीएससी जीएनएम एमएससी जो भी आप किए हो, काफ़ी तरीके से, काफ़ी अच्छी तरीके से आपने एजुकेशन ली है, काफ़ी अच्छी तरीके से आप एजुकेट हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको गाइड मिल जाए और आप इन सबको पढ़ पाए, बस इतना ही मेरा मोटिव है, इतना ही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा एम है कि आपको ये सारी जानकारी दूं। क्योंकि जब से आपका सेशन स्टार्ट हुआ है मेरे पास कंटिन्यूअसली कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्लास हमें प्रोवाइड करें, तो वही क्लासेस अवेलेबल करवा रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्लासेस इस तरीके से आपको बताई जाए, इस तरीके से आपको पढ़ाई जाए कि आप एग्ज़ाम तक क्या आपकी पूरी लाइफ में इन चीज़ों को नहीं भूल पाए, पूरे लाइफ में इन चीज़ों को नहीं भूल पाए, क्योंकि आप CHO बन चुके हैं और आगे आपको ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं, इनके ऊपर आपको खुद को काम करना होगा, इसलिए सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। चलिए वापस आ जाते हैं अपनी पॉइंट पर। जो टॉपिक चल रहा है अपना वो इमोशनल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन मतलब ये ऐसा डायमेंशन है जिसके अंदर मान लीजिएगा कोई ये पर्सन है, इसके अंदर मान लीजिएगा ये पर्सन है और एक दूसरा अदर पर्सन है, ये दूसरा अदर पर्सन है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, ये पर्सन मान के लीजिएगा एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर ऐसी एबिलिटी है, जिसके अंदर एबिलिटी है, जिसके अंदर एबिलिटी है जो कि क्या कर सकता है, खुद के फीलिंग्स को, खुद के सैडनेस को, खुद के हैप्पीनेस को समझ पा रहा है, यानी खुद की हैप्पीनेस को, खुद की फीलिंग्स को वो समझ पा रहा है कि हाँ मुझे अब खुश होना चाहिए, कि हाँ मुझे अब दुखी होना चाहिए, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो खुद को समझ पा रहा है, उसके इमोशनल स्टेटस को, उसके फीलिंग को, उसके सैडनेस को, उसके हैप्पीनेस को, सबको यदि वो समझ पा रहा है, लेकिन खुद को समझ रहा है ठीक है, लेकिन वो साथ वाले को यानी अपने रिलेटिव को, अपने अदर्स फ्रेंड्स को, उसके भी फीलिंग्स को वो समझ पा रहा है, तो पर्सन कैसा है, वो पर्सन कैसा है, इमोशनली हेल्थी है। इमोशनली कैसा है, हेल्दी है। कब है हेल्दी, जब पर्सन खुद के फीलिंग को, खुद के इमोशन को, खुद के सैडनेस को, खुद के हैप्पीनेस को और साथ ही अपने साथ ही अदर जो पर्सन है उसके फीलिंग को समझ पाता है, कोप कर पाता है, अपने आप को समझ पाता है, खुद को समझ पाता है, एक्सेप्ट कर पाता है, दूसरे को भी समझ पाता है और एक्सेप्ट कर पाता है, तो वो पर्सन कैसा है, इमोशनली हेल्दी हैं, इमोशनली हेल्दी हैं, क्योंकि वो पर्सन खुद को तो इमोशनली फील कर रहा है, खुद को तो पहचान रहा है, साथ ही वो दूसरे को भी पहचान रहा है, दूसरे की फीलिंग्स को भी पहचान रहा है, तो वो पर्सन कैसा है, इमोशनली अच्छा है, इमोशनली वेल है, इमोशनली गुड है, इमोशनली हेल्दी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहीं पर जो दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये अदर दूसरा पर्सन है, जहाँ पर मान के चलिए ये पर्सन
इतना एबल नहीं है, यानी उसके अंदर प्रॉपरली एबिलिटी है लेकिन इतनी एबिलिटी उसके अंदर नहीं है कि वो इमोशंस को पढ़ सकता है, इमोशन को पढ़ सकता है यानी इमोशन को वो पहचान सकता है, दूसरे की बातें समझ पाता है, दूसरे का सैडनेस समझ पाता है, ठीक है, तब तो वो इमोशनली हेल्दी हैं। अगर वो ये सब नहीं कर पाता है तो वो क्या है, इमोशनली हेल्दी नहीं है, इमोशनली हेल्दी नहीं है। यानी कहने का डायरेक्टली इतना सा मीन्स है मेरा, मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि एक पर्सन अगर खुद की फीलिंग को, खुद के सैडनेस को, खुद के हैप्पीनेस को टाइम के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग फील कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग वो कोप कर रहा है उसके साथ, तो वो बिल्कुल कैसा है, इमोशनली हेल्दी है। और जिस पर्सन के अंदर ऐसा नहीं है वो इमोशनली कैसा है, डिस्टर्ब है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक भी क्लियर नहीं हुआ है तो अब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं जिसके बाद तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एन इमोशनली हेल्दी पर्सन हैज, एक इमोशनली हेल्दी पर्सन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, नीचे जो फॉलोइंग लाइंस आपके सामने दी हुई हैं, फॉलोइंग लाइंस आपको दी हुई हैं उनको पढ़िए, उनको समझते हैं, उसके बाद आपको इमोशनली जो स्टेटमेंट हैं, इमोशनली जो डायमेंशन है बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इमोशनली डायमेंशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, यानी एक पर्सन के अंदर क्या क्या होना चाहिए कि उस पर्सन को अपन इमोशनली हेल्दी कहेंगे, क्या क्या होना चाहिए। सबसे फर्स्ट वन पॉइंट देखते हैं, सबसे फर्स्ट वन पॉइंट देखते हैं, अ वेल एडजस्टिंग माइंड सेट होना चाहिए, यानी एक पर्सन कैसा होना चाहिए, एडजस्टिंग यानी एडजस्ट करने वाला और उसका माइंड सेट होना चाहिए। सबसे फर्स्ट वन पॉइंट है, एक पर्सन इमोशनली हेल्दी कब होगा, जब वो अपने माइंड को एडजस्ट कर सकता है, उसका माइंड बिल्कुल सेट है कि मुझे ये करना है तो यही करना है, वो करना है तो वो करना है। अगर वो खुद कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, खुद फंसा हुआ है, खुद कंफ्यूज्ड है, खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो इमोशनली एडजस्टमेंट या इमोशनली हेल्दी नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एक पर्सन क्या होना चाहिए, खुद में एडजस्टिंग होना चाहिए और माइंड सेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आ गया होगा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट अपन देखते हैं, सेकंड पॉइंट में क्या होना चाहिए, डज नॉट गेट एजिटेटेड इजीली। एजिटेटेड, एजिटेशन आपने सुना होगा, एजिटेशन आपने सुना होगा कि वो पर्सन, ऐसा पर्सन जो कि आसानी से एजिटेशन नहीं कर पाता है, आसानी से एजिटेट नहीं हो पाता है, आसानी से उसको गुस्सा नहीं आता है, आसानी से वो एकदम से हड़बड़ाहट नहीं करता है, तो वो पर्सन कैसा है, इमोशनली हेल्दी है। सिचुएशनल के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग करता है वो ठीक है, वो एक नॉर्मल बात है, लेकिन इजीली कोई भी किसी ने भी थोड़ी सी बात कह दी उससे कि यार ऐसा, जिसमें वो हड़बड़ा जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, लड़ाई करने लग जाएगा, तो ऐसा पर्सन हेल्दी नहीं है। पर्सन वही हेल्दी है जो कि इजीली एजिटेट या एजिटेशन नहीं कर पाता। ठीक है, आई थिंक सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, हैज फ्रीडम फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी ऐसा पर्सन जिसके अंदर इन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, यानी फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट होगा। आप कहेंगे कि सर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऐसी कंडीशन है, जैसे मान के चलिए दो रास्ते यहाँ पर हैं, दो रास्ते यहाँ पर हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर दो, दो पॉइंट में आपको बताता हूँ, दो पॉइंट यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये आप हो, ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, उसके पास दो, उसके पास दो कंडीशन आ जाती हैं, उसके पास दो कंडीशन आ जाती हैं, एक तो उसके भैया की शादी है, एक तो उसके भैया की शादी है, दूसरा उसका एग्ज़ाम है, एक तो उसके भैया की शादी है, दूसरा उसका एग्ज़ाम है, बिल्कुल सेम डे हैं, एक ही दिन है। अब वो कन्फ्यूज हो गया, अब वो कन्फ्यूज हो गया कि मैं शादी अटेंड करूँ या एग्ज़ाम दूँ। अगर पर्सन इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या होगा, ओवरकम हो जाता है, निकल जाता है, बाहर निकल जाता है और एप्रोप्रिएट यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेता है, तो पर्सन हेल्दी है। अगर सॉल्यूशन नहीं कर पाता है तो पर्सन कैसा है, अनहेल्दी है। यानी क्या करेगा पर्सन, कि मैं तो एग्ज़ाम दूंगा, फ्यूचर का सवाल है,
तो अगर वो इनमें से एक फटाफट से चूज कर लेता है और अप्रोप्रिएट सही से चूज करता है तो पर्सन हेल्दी है, अदरवाइज अनहेल्दी है। ठीक है, तो या तो वो ये चूज करेगा या ये चूज करेगा। अगर अनहेल्दी है तो फिर वो दोनों ही छोड़ देगा, दोनों ही काम उसका नहीं होगा। तो आई थिंक यहाँ तक भी आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा, आ गया होगा, बिल्कुल आ गया सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है लुक्स फॉर हिज पर्सनल आइडेंटिटी, कि वो खुद की आइडेंटिटी को पहचानता है, खुद की आइडेंटिटी को वो देख सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं किस तरीके से रह सकता हूँ। ठीक है, तो वो खुद की आइडेंटिटी को पहचानता है आसानी से, बिल्कुल खुद सेल्फ के बारे में जानता है कि मैं क्या हूँ और मैं मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है, तो वो हेल्दी है। नेक्स्ट पॉइंट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम, उसके अंदर खुद के अंदर खुद का स्वाभिमान है, खुद अपने आप को पहचान रहा है और खुद अपने आप के अंदर कि हाँ ऐसा सही है, ये सही है, ये गलत है, बिल्कुल खुद स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम रखता है तो पर्सन भी हेल्दी है, इमोशनली हेल्दी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नॉन हिज लिमिटेशन एंड कैपेबिलिटी, वो खुद अपनी लिमिटेशन, अपनी सीमाओं और कैपेबिलिटी, अपनी क्षमताओं को पहचानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। अगर वो जान पाता है खुद के बारे में कि मैं ये कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता, तो फिर वो हेल्दी पर्सन है। ठीक है, अगर वो कहता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो फिर उसको हेल्दी नहीं कहेंगे, अनहेल्दी कंसिडर्ड कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इज एबल टू कोप अप वेल, ठीक है, वो कोप कर सकता है आसानी से विद द सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एक पर्सन है जो कि किसी भी सिचुएशन के अंदर जो भी एंजाइटी आ रही है, जो भी स्ट्रेस आ रहा है, उसको वो आसानी से कोप कर सकता है, उसको वो आसानी से समझ सकता है, तो वो पर्सन कैसा है, हेल्दी है। और हेल्दी में कौन सा हेल्दी, इमोशनली हेल्दी है। वो पर्सन कैसा है, हेल्दी हेल्दी है, यानी वो बिल्कुल इमोशनली हेल्दी है, उसका इमोशनल जो इमोशनल जो डायमेंशन है बिल्कुल सही है और वो पर्सन कैसा हेल्दी कंसिडर किया जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट डायमेंशन की, आगे बात करते हैं नेक्स्ट डायमेंशन की, और नेक्स्ट डायमेंशन है आपके सामने, नेक्स्ट डायमेंशन है आपके सामने इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, नेक्स्ट डायमेंशन है इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। और इंटेलेक्चुअल डायमेंशन मीन्स आप सबको पता है आईक्यू के बारे में, आईक्यू के बारे में, इंटेलिजेंसी के बारे में। अब कोई पर्सन इंटेलिजेंसी है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, उसके अंदर कोग्निटिव, इसके अंदर माइंड में ऐसी एबिलिटी है कि वो नई नई स्किल डेवलप कर सकता है, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ावा देता है, तो वो कौन सा डायमेंशन है, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन है। और ऐसा पर्सन बिल्कुल फिट है, उसके अंदर ऐसी कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, तो उसका इंटेलेक्चुअल डायमेंशन बिल्कुल सही है। देखिए पढ़ सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन या इंटेलेक्चुअल हेल्थ encompasses cognitive ability to develop skill, यानी वो skill develop कर सकता है, and knowledge to enhance one's life, कि वो अपनी life को आगे बढ़ाने के लिए knowledge रखता है, तो ऐसी condition में उसका intellectual जो dimension है बिल्कुल fit है। I think clear हो गया होगा। आगे एक बार फिर से देख लीजिएगा, इंटेलेक्चुअल हेल्थ एनकरेज क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल हेल्थ क्या करता है, क्रिएटिविटी को क्या करता है, एनकरेज करता है। यानी जो पर्सन इंटेलेक्चुअली है, इंटेलिजेंट है, वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करता ही रहता है, क्रिएटिविटी करता ही रहता है, कुछ ना कुछ क्रिएट करता ही रहता है और स्टिमुलेट करता है अपने मेंटल एक्टिविटीज़ को। ठीक है, यानी इंटेलेक्चुअल हेल्थ इंक्रीज द क्रिएटिविटी या क्रिएटिव स्टिमुलेटिंग द मेंटल एक्टिविटी, और मेंटल एक्टिविटीज को वो क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है, स्टिमुलेट करता रहता है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। एक और पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर रहती है। अगर पर्सन के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है और अच्छी तरीके से वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि पर्सन इंटेलेक्चुअली कैसा है,
फिट हैं, उसके अंदर ऐसी एबिलिटी हैं कि वो आसानी से अपना खुद का डिसीजन कर सकता है कि क्या है क्या नहीं है, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व आउट करना है, डिसीजन ले सकता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर इंटेलेक्चुअली जो डायमेंशन है बिल्कुल सही है, इंटेलेक्चुअली जो फिट हैं उसके फिटनेस हैं वो सही हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा इंटेलेक्चुअल डायमेंशन के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट डायमेंशन के बारे में, स्पिरिचुअल डायमेंशन के बारे में। किस डायमेंशन के बारे में? स्पिरिचुअल डायमेंशन के बारे में। और स्पिरिचुअल डायमेंशन के बारे में आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्या होता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। देखिए नाम से मीनिंग चल रहा है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, क्या कहते हैं इसको, आध्यात्मिक कह सकते हैं। आध्यात्मिक मतलब एक तरीके से वो सेल्फ रियलाइजेशन कर सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकता है, यानी खुद को वो पहचान रहा है, कुछ पर्सनल बिलीफ वो मानता है, कुछ वैल्यूज़ वो मानता है, भगवान पर भरोसा करता है यानी भगवान को मानता है, कुछ अलग से स्पिरिट को वो मानता है, आत्मा को वो मानता है। अगर नॉर्मली ऐसा है तो उसकी स्पिरिचुअल डायमेंशन सही है, उसका स्पिरिचुअल डायमेंशन सही है, जो कि एक हेल्दी पर्सन के अंदर होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, स्पिरिचुअल हेल्थ इज नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ के डेफिनेशन के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि बेसिकली हेल्थ के डेफिनेशन के अंदर तीन डायमेंशन अपने पढ़े, फिजिकल, मेंटल और सोशल, स्पिरिचुअल को नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बट इट प्रैक्टिस्ड बाय द मोस्ट ऑफ द पीपुल थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन ये प्रैक्टिस्ड किया गया है, ऐसा पाया गया है कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा पाया गया है कि पर्सन क्या करता है, सेल्फ रियलाइजेशन करता है और पीस ऑफ माइंड, अपने माइंड को शांत रखता है, यानी खुद को वो रियलाइज करता है और अपने माइंड को शांत रखता है, जो कि किसके थ्रू होता है, एक स्पिरिचुअल थिंकिंग के थ्रू होता है, एक स्पिरिट, एक पर्सनल बिलीफ कुछ मानता है, कुछ वैल्यूज़ वो मानता है और उसके अकॉर्डिंग खुद को सेल्फ रियलाइजेशन करता है और अपने आप को खुश रखता है, अपने माइंड को शांत रखता है। ठीक है, अगर ये डिस्टर्बेंस होता है तो पर्सन कहीं ना कहीं आगे सिक हो सकता है, उसके अंदर डिजीज हो सकती हैं, इलनेस हो सकती हैं, तो ये भी पर्सन के अंदर होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, आगे लिखा हुआ है इजीली देख सकते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ रेफर टू आवर पर्सनल बिलीफ एंड वैल्यू। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, पर्सनल बिलीफ और वैल्यू से रिलेटेड रखता है, रिलेशन रखता है। तो याद रहे, स्पिरिचुअल जहां आ जाता है वहां पर आपको दो पॉइंट, दो मीनिंग आ जानी चाहिए आपके माइंड में। क्या क्या मीनिंग? एक तो बिलीफ यानी भरोसा, अब भरोसा किसी पर भी हो सकता है, भगवान पर भी हो सकता है और अदर पर भी हो सकता है, तो एक बिलीफ वहाँ पर आ जाता है, दूसरा वहाँ पर वैल्यूज़ आ जाता है। दोनों टर्म आते ही आप समझ जाएंगे कि स्पिरिचुअल की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे देखिए, इट इज़ अटेंड बाई सीकिंग वंस वैल्यू, राइट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इथिक्स, ये सारे कुछ वो रखता है। ठीक है, आगे देखिए, कोड ऑफ लिविंग, किस तरीके से वो रहता है, उसका रिलीजन कैसा है, रिलीजन को वो मानता है नहीं मानता है, एंड इट इज़ द कैपेसिटी टू लव, कि वो लव को पहचान पाता है, हैव कंपेशन ऑफ अदर के साथ वो कंपेशन कर सकता है, कंपेन बना सकता है, समूह में रह सकता है, फॉरगिवनेस उसके अंदर है, जॉयनेस उसके अंदर है, यदि ये सब उसके अंदर फुलफिल हैं, उसके अंदर सब कुछ फुलफिल आसानी से होता है, उसके अंदर लव है, बिलोंगिंगनेस है, जॉय है और उसके अंदर बिलीफ हैं, वैल्यूज़ हैं, अगर वो मानता है, दैट इज़ कह सकते हैं कि वो बिल्कुल स्पिरिचुअली कैसा है, फिट है, स्पिरिचुअली कैसा है, वो फिट हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, स्पिरिचुअल डायमेंशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्पिरिचुअल से डायरेक्टली आपको केवल इतना सा याद रखना है कि पर्सन कैसा है, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकता है और अपने माइंड को फीस रख सकता है, शांत रख सकता है, और साथ ही स्पिरिचुअल जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर आपको याद रखना है कि पर्सन किससे रिलेटेड, किससे रिलेशन में आ जाता है, पर्सनल बिलीफ से और वैल्यूज से। बाकी दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि स्पिरिचुअल के अंदर क्या होता है, पर्सनल बिलीफ आ जाते हैं और वैल्यूज आ जाते हैं। ठीक है,
बस इतना सा आपको याद रखना है, बाकी ज़्यादा याद रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट डायमेंशन की। नेक्स्ट डायमेंशन की अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट डायमेंशन है आपके सामने ओकेशनल, सॉरी ऑक्यूपेशनल या वोकेशनल, एक ही बात है, ऑक्यूपेशनल बोले या फिर वोकेशनल बोले, वोकेशनल बोलेंगे तब भी वही हैं और कोई ऑक्यूपेशनल बोले तब भी वही हैं, यानी अपने खुद के काम की बात की जा रही हैं, खुद के ऑफिस की बात की जा रही हैं। आप सबको पता है ऑक्यूपेशनल क्या होता है और ओकेशन क्या होता है। चलिए ऑक्यूपेशनल से मतलब डायरेक्टली रिलेटेड होता है उसके वर्क होम से, ठीक है, वर्क से, वो काम क्या करता है, काम क्या करता है, उसका पैसा क्या है। अगर वो अच्छा है तो वो हेल्दी रहेगा, क्योंकि उसके अंदर अच्छी कमाई रहेगी, उसके पास अच्छा पैसा है तो वो आसानी से अपनी लाइफ को फुलफिल कर सकता है। ठीक है, डायरेक्टली समझ में आ गया, ऑक्यूपेशन से डायरेक्ट उसके इनकम से आ जाता है। ठीक है, चले इसी का सेम एक डायमेंशन और है फाइनेंशियली डायमेंशन, वो भी आगे डिस्कस करेंगे, सेम कोरिलेशन में रहते हैं ये दोनों। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिकॉग्नाइज पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या करता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन रखता है, जो कि एनरिचमेंट वंस लाइफ थ्रू वर्क, यानी एक पर्सन क्या करता है, अपने काम के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, अपने वर्क के द्वारा खुद को एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन करता है, पर्सनल सेटिस्फाई देता है और अपनी लाइफ को इन्हेंस करता है थ्रू द वर्क। साम यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ऑक्यूपेशन मतलब उसके ऑफिस से काम आ जाता है, उसके वर्क से काम आ जाता है, उसके मनी से काम आ जाता है, उसके पैसे से काम आ जाता है। यदि एक पर्सन जो कि अपने काम के थ्रू, अपने ऑक्यूपेशन के थ्रू, अपने एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, अपनी जॉब के थ्रू, अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन ले लेता है, अपने पर्सनल खुद को सेटिस्फाई कर पाता है, तो पर्सन बिल्कुल कैसा है, ऑक्यूपेशनल ही डायमेंशन उसके अंदर सबसे अच्छा है, ऑक्यूपेशनल डायमेंशन उसके अंदर अच्छा है और वो अपने आप को और अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव को कैसा रख सकता है, हेल्दी रख सकता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो सेकेंड पॉइंट आप देखिए, इसमें तो अच्छी से क्लियर हो जाएगा। देखिए द चॉइस ऑफ प्रोफेशन, यानी एक पर्सन है वो आसानी से अपनी चॉइस कर सकता है अपने प्रोफेशन का, अपना जॉब सेटिस्फेक्शन ले सकता है, करियर एम्बिशन को ले सकता है। लाइक एक पर्सन है क्लास टेंथ में वो पढ़ रहा है, उसको बनना है डॉक्टर। अब वो टेंथ के बाद बायोलॉजी लेगा, टेंथ के बाद बायोलॉजी लेगा, बायोलॉजी के बाद वो आगे जाकर नीट का प्रिपरेशन करेगा, नीट क्वालिफाई कर वो क्या करेगा, एमबीबीएस करेगा। देन उसका एम्बिशन क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा। अगर ऐसा पर्सन है कि वो क्या करता है, कुछ एम्बिशन करता है, कुछ गोल डिसाइड करता है, अगर उस गोल तक वो जाता है तो वो पर्सन कैसा है, ऑक्यूपेशनली फिट है। देखिए फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि जो पर्सन सोचता है वहाँ तक पहुँच जाता है, क्या वही फिट है? अगर वो पर्सन डॉक्टर नहीं बन पाया तो वो क्या कर लेगा, आपने पढ़ा होगा डिफेंस मैकेनिज्म, और डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू फिर क्या कर लेगा, वो नर्सिंग कर लेगा कि हम तो मेडिकल फील्ड में चले गए। तो कैसे भी वो अपने आप को कोप करना आना चाहिए, उसको पर्सन को कोप करना आना चाहिए कि ट्रायल और एरर आपने पढ़ा होगा, कोशिश की और हार गए, कहीं ना कहीं वो एक बार दो बार कोशिश करेगा, जीतेगा। अगर उसके अंदर ये क्रिएटिविटी है, इट मीन्स वो ऑक्यूपेशनली भी फिट रह जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसा एम्बिशन है, वो कर सकता है। वो डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाता है तो नर्सिंग तक तो पहुँच सकता है, मेडिकल फील्ड में तो वो जा सकता है। एनीथिंग जो भी है, आगे चलते हैं, इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर वो चॉइस कर सकता है अपने प्रोफेशन का, जॉब सेटिस्फेक्शन ले सकता है, करियर एम्बिशन ले सकता है, पर्सनल परफॉर्मेंस दिखा सकता है, ऑल आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, ये सब यदि फुलफिल कर सकता है एक पर्सन, दैट इज़ ऑक्यूपेशनली वेलनेस, यानी वो एक ऑक्यूपेशनली कैसा है, फिट है। अगर वो ऑक्यूपेशनली फिट है तो वो अदर डायमेंशन भी उसके फिट हो सकते हैं और वो बिल्कुल हेल्दी रह सकता है। तो आई थिंक यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा, अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट डायमेंशन की, डायमेंशन नंबर 6, फाइनेंशियल डायमेंशन। और फाइनेंशियल डायमेंशन भी रिलेटेड है ऑक्यूपेशनल डायमेंशन से।
ऑक्यूपेशनल डायमेंशन से रिलेटेड हैं या ओकेशनल डायमेंशन से रिलेटेड हैं, क्योंकि इसमें फाइनेंस मीन्स समझ में आ गए आपको मनी, फाइनेंस मीन्स समझ आ गया होगा मनी, यानी एक पर्सन के पास जितनी उसको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग मनी है, उसके अकॉर्डिंग उसकी नीड को फुलफिल कर पा रहा है, ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन उसकी है। अगर उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं तो बिल्कुल वो फिट रह सकता है, अपनी फैमिली को फिट रख सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। फाइनेंशियली हेल्थ फोकस ऑन एटीट्यूड टुवार्ड मनी, यानी एक पर्सन फोकस करता है अपनी मनी की तरफ, अपना एटीट्यूड रखता है मनी की तरफ, और कंटेंटमेंट सेटिंग करता है, गोल सेट करता है किसके लिए, फ्यूचर नीड के लिए, और डेवलप करता है और डेवलपिंग करता है अपने आप को, हैबिट करता है और मनी लेता है, ये सारे रिसोर्सेज वो लेता है। सीधा सा अपनी लैंग्वेज में मैं कहूँ इसके लिए तो सीधा सा और सिंपल सा कहना यही है कि पर्सन खुद के जो भी सेटिस्फाई करके जो भी गोल वो लेता है, जो भी गोल वो सेट करता है, अगर उस गोल को वो अचीव कर लेता है, अचीव करके उसके रिगार्डेड फाइनेंशियली लेवल अच्छा बना लेता है, दैट इज़ फाइनेंशियली डायमेंशन। यहीं पर यही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कंटेंटमेंट सेटिंग गोल सेटिंग करता है फॉर द फ्यूचर नीड्स के लिए गोल सेट करता है, डेवलप करता है मनी हैबिट्स एंड इफेक्टिवली यूजिंग द टूल, और टूल का अच्छे से यूज़ करता है और मैनेज करता है अपने फाइनली रिसोर्सेज को, फाइनेंशियली रिसोर्सेज को, दैट इज़ फाइनेंशियल डायमेंशन। आई थिंक समझ आ गया होगा, यानी गोल सेट करता है, गोल सेट करके प्लानिंग करता है, प्लानिंग करके टूल्स का यूज़ करता है, और टूल्स का यूज़ करते हुए अपने फाइनेंशियली रिसोर्सेज को मैनेज करता है, दैट इज़ फाइनेंशियली डायमेंशन और वेलबींग। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके अंदर भी सेम वैसे ही हैं, इसके अंदर भी सेम वैसे ही हैं कि एक पर्सन गोल डिसाइड करता है, उस पर वो प्लानिंग करता है, प्लानिंग करके टूल्स का यूज़ करता है, और यूज़ करके उसके रिगार्डिंग फ्यूचर के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उसको वो मैनेज करता है, और मैनेज करता है इट मींस मैनेज कर सकता है, इट मींस अगर उसके पास इतना फाइनेंशियली सेटअप है फाइनेंशियली वो कर सकता है, और अगर उसके अंदर कोई डिजीज़ भी हो जाती है तो उसको भी क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, इसीलिए फाइनेंशियली है, यानी पैसा है तो डिजीज़ कंडीशन को भी ट्रीट किया जा सकता है। तो नॉर्मली कह सकते एक पर्सन के साथ ये होना चाहिए। मान लीजिए पर्सन को किसी कारण से कोई डिजीज़ कंडीशन होगी, उसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो वो आगे उसका इलाज नहीं करा पाएगा तो एक पर्सन के साथ दूसरे का भी डिजीज़ और हेल्थ बिगड़ सकता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट डायमेंशन की बात करें, सोशल डायमेंशन, तो सोशली डायमेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आना चाहिए। देखिए, सोशल डायमेंशन मीन्स सोसाइटी मीन्स जहाँ पर पर्सन रहता है, कम्युनिटी और सोसाइटी आपने पढ़ी होगी, यानी सोसाइटी मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन है। ठीक है, पर्सन्स का ग्रुप है, अगर पर्सन का ग्रुप है और उसमें रहने वाला पर्सन अपने आप को हेल्थी रख सकता है, यानी उनके साथ मेंबर के साथ सोसाइटी के साथ रिलेशन सेटअप कर सकता है, उनके साथ अच्छा रिलेशन रखता है, दैट इज़ सोशली वेलबींग। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा, यानी एक पर्सन है सोसाइटी के साथ अपने रिलेशन अच्छे से तरह रख सकता है, मैनेज कर सकता है, दैट इज़ सोशली डायमेंशन। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिए, सोशली हेल्थ एनकरेज द कॉन्ट्रीब्यूटिंग वंस एनवायरमेंट एंड कम्युनिटी, यानी सीधा सा सिंपल सा लिखा हुआ है कि एक पर्सन है अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट के साथ और अपने कम्युनिटी के साथ रिलेशन रखता है, और एक अच्छा रिलेशन उसके साथ है, दैट इज़ सोशल डायमेंशन, और सोशल डायमेंशन अच्छा है, दैट इज़ वो हेल्दी हैं। आगे देखिए, इट एम्फेसाइज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन अदर एंड नेचर, यानी वो इंटरडिपेंडेंट और अदर नेचर और अदर के साथ इंटरडिपेंडेंट में रहता है, यानी पर्सन रिलेटिव्स रिलेशन बेटा पाता है, सिंपल सी और अपने वर्ड में आप कहें, अपने शब्दों में आप कहें तो ऐसा पर्सन है सोसाइटी में रह रहा है, सोसाइटी के पर्सन के साथ उसका रिलेशन सही है, सोसाइटी में उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, सोसाइटीज़ में उसका रिलेशन अच्छा है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, दैट इज़ सोशल डायमेंशन, उसका सोसाइटी में नेटवर्क अच्छा है, दैट इज़ सोशल डायमेंशन। ठीक है, चलिए आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है आप पढ़िए, समझ में आ जाएगा। देखिए, इट डील्स विद हैविंग सपोर्टिव
सोशल नेटवर्क, यानी सोशली नेटवर्क उसके साथ है पर्सन के साथ, कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, सोसाइटी के साथ एक सोशल नेटवर्क है उसका कुछ वैल्यूज़ है, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ के साथ, ठीक है। सिंपल सा मीनिंग्स है कि नेटवर्क जो सोसाइटी के साथ नेटवर्क है वो अच्छा है, दैट इज सोशल डायमेंशन, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा। आगे देख लीजिएगा यहाँ पर और लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, और इससे तो आपको समझ आ ही जाएगा। देखिए, इट कैन ऑल्सो डिफाइन एज द क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के अंदर ऐसी क्वांटिटी और क्वालिटी है कि वो इंटरपर्सनल टाई कर सकता है, यानी इंटरपर्सनल यानी लोगों के साथ अपने ग्रुप के साथ टाई, मतलब मिलजुल कर रह सकता है, मिलजुल कर रह सकता है, इन्वॉल्वमेंट कर सकता है विद अदर्स, विद कम्युनिटीज, लिखा हुआ है इन्वॉल्वमेंट विद कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी के साथ वो क्या कर सकता है, इन्वॉल्वमेंट रखता है, दैट इज सोशल डायमेंशन। और आई थिंक यहाँ तक के जितने डायमेंशन हमने पढ़े वो आप सबको समझ आ गया होगा। देख लीजिएगा इस पैराग्राफ में भी सेम एज इट इज़ यही लिखा हुआ है। लास्ट डायमेंशन है हेल्थ डायमेंशन के अंदर, लास्ट डायमेंशन है एनवायरमेंटल डायमेंशन। और एनवायरमेंटल डायमेंशन मींस भी आप समझते हैं एनवायरमेंट, एट दी एनवायरमेंट के अंदर आप खुद को सेट कर सकते कर पा रहे हो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। एनवायरमेंट में क्लाइमेट, जो भी प्लेनेट जो भी हैं वो बिल्कुल सेफ है, सही हैं। एनवायरमेंट जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसके साथ आप खुद एडजस्ट कर पा रहे हो, दैट इज एनवायरमेंटल डायमेंशन। आई थिंक समझ आ गया होगा। आगे देखिए, आगे अपन पढ़ेंगे ना इसमें कि हेल्थ के फैक्टर्स, ठीक है, डिटरमिनेंट्स, उसमें भी सेम ऐसे ही टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे, सेम ऐसे ही टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, उसके अंदर भी इस तरीके से ही हम पढ़ेंगे। देखिए, एक पर्सन है, ये पर्सन है, और इसके सराउंडिंग ये एनवायरमेंट है, इसके सराउंडिंग ये एनवायरमेंट है। अब इस एनवायरमेंट के अंदर क्लाइमेट है जो कि चेंजेज होते रहते हैं, क्लाइमेट है चेंजेज होते रहते हैं, सीजन चेंजेज होते रहते हैं, कभी विंटर आता है, कभी विंटर आता है, ठीक है, कभी समर आता है, यानी सर्दी गर्मी बरसात सब तरीके से आता है। अगर उसके अंदर ये पर्सन है सभी मौसम के साथ, सीजन के साथ, क्लाइमेट के साथ, एनवायरनमेंट में अपने आप को खुद को कोप कर सकता है, खुद को एडजस्ट कर पाता है, दैट इज़ एनवायरमेंटल डायमेंशन, ठीक है। आप कहेंगे कि फिजिकली डायमेंशन हुआ ये, तो नहीं, एनवायरमेंटल डायमेंशन की बात करें यानी एनवायरमेंट के साथ वो अपने आप को एग्जिस्ट रख पाता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है इसके अंदर, आगे देख सकते हैं। Environmental health is a learning and contributing to health of a planet and sustain the lifestyle. यानी environment के साथ अपनी lifestyle को वो अच्छी तरीके से रह सकता है, environment के साथ अपनी lifestyle को waste कर सकता है, अपनी life को उसके अंदर रह सकता है आसानी से उसके सामान, और उसमें अपने आप को adjust कर पाता है, that is environmental dimension. देखिए यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, इनको पढ़ते हैं, फिर आज की क्लास को अपन यहीं पर फिनिश करेंगे। देखिए, मच ऑफ द ह्यूमन बींग ill health can be traced the adverse environmental factor. यानी एक पर्सन है यदि अनहेल्दी है, ill है तो वो ट्रेस करेगा environmental factor को कि हम बीमार क्यों हैं, किस लिए हमें डिजीज़ हुई है। वाटर पोल्यूशन हो सकता है उसके रिगार्डेड, सोइल पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, पुअर हाउसिंग कंडीशन हो सकती है, या फिर कोई पर्सन या फिर कोई एनिमल रिजर्वॉयर हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है उसके डिजीज़ के रिलेटेड। अगर ये सब नॉर्मल हैं यानी कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई रिजर्वॉयर नहीं है, कोई इंसेक्टिव नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो होते ही होते हैं, अगर इनके होते हुए भी एक पर्सन वहाँ पर मैनेज कर रहा है तो वो क्या है, फिजिकल डायमेंशन, और फिजिकली डायमेंशन को फुलफिल करते हुए एनवायरनमेंट के साथ पर्सन रह रहा है तो फिर वो एनवायरमेंटल डायमेंशन। अगर ये सारे, अब देखिए मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि सारे डायमेंशन आपस में एक दूसरे से कोरिलेशन में रहते हैं, तो अपन ने बात की इस सेशन के अंदर सबसे फर्स्ट वन फिजिकल डायमेंशन, उसके बाद हमने डिस्कस किया फिजिकल डायमेंशन के बाद इंटेलेक्चुअल डायमेंशन या इमोशनल डायमेंशन। तो सबसे फर्स्ट वन अपन ने डिस्कस किया फिजिकल डायमेंशन, उसके बाद इमोशनल डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन,
फाइनेंशियल डायमेंशन, ऑक्यूपेशनल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन और एनवायरमेंटल डायमेंशन। अगर ये सारे डायमेंशन आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट में हैं तो जिस पर्सन के ये सारे एनवायरमेंट, सारे डायमेंशन सही हैं, वो पर्सन कैसा है हेल्दी है। यानी एक पर्सन के अंदर ये सारे डायमेंशन, जितने भी डायमेंशन हमने डिस्कस किए, वो सारे डायमेंशन सही तरीके से हैं, वेल हैं, अच्छे हैं, तो वो पर्सन कैसा है, हेल्दी है। अदरवाइज उसके अंदर कुछ ना कुछ इलनेस हो सकती हैं, कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको समझ आ गई होगी और आज की क्लास आपको समझ आई होगी। क्या क्या पढ़ा आज अपने? आज ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, केवल डायमेंशन पढ़े हैं और हेल्थ के डायमेंशन पढ़े हैं। उसमें फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, ऑक्यूपेशनल, सोशल और एनवायरमेंटल, ये डायमेंशन हमने पढ़े हैं और उम्मीद है सारे आपको समझ आ गए होंगे। और अगर डायमेंशन पे आपका क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो 100% आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आप ये सारा कुछ लिख के आएंगे आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट सेशन में। लेकिन अभी एक बार फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि सभी तक ये क्लास पहुँच सके और सभी इस क्लास को पढ़ पाए और समझ पाए। और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली जानकारी आप तक पहुंच सके। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।